हेलो, ये देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो स्लॉक्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या है, चार चीज़ों से मिलकर ही बने होते हैं। वो चार चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ऑल, एक होती है सम, एक होती है सम नॉट, और एक होती है नॉ। ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव और ये होते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब ऑल और सम और सम नॉट और नॉट, ये चार चीज़ें जो होती हैं, इनके डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे ऑल ए आर बी हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? ऑल ए आर बी ऐसे बनाएंगे, हम कभी ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऑल ए आर बी ऐसे नहीं, ये गलत है। हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ए से टच होता हुआ बी। ठीक है, ये बनेगा हमारा ऑल का डायग्राम। ठीक है, अब हम बनाएंगे सम का डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे? सम ए आर बी, ये क्या बनेगा? सम का डायग्राम। ठीक है, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ये तो क्या है हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के डायग्राम, हमेशा हम इनको ऐसे बनाएंगे। दूसरी चीज, सम नॉट और नॉट, नॉट का कैसे बनेगा? पहले नॉट का देखो, इसका नॉट का मतलब नो ए इज बी। ठीक है, मतलब कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो ए ऐसे बनेगा और बी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा अलग, और बीच में एक हम रेखा बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे और उसको क्रॉस लगा देंगे, मतलब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है। अब ध्यान रखना, ए का जब बी से कोई रिलेशन नहीं है, अब वो कोई भी रिलेशन नहीं है, किस किसी चीज़ का भी नहीं है, ना तो सम ए बी हो सकते हैं, ना ऑल ए बी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। अगर कहा जाए सम नॉट ए, मतलब सम नॉट ए आर बी, तो भी सही है, सम नॉट बी आर ए, तो भी सही है। अब ये ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो भी रिलेशन होगा ए और बी का, वो ना का ही होगा। अगर ए और बी के बारे में कोई कंक्लूजन पूछे, नो लिखा हो, तो वो राइट ही होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, हमें 100% जानकारी है कि ए और बी का कोई संबंध आपस में नहीं है। ए का बी से नहीं है, तो बी का भी ए से नहीं होगा, तो बी का ए से भी कुछ कहा जाए ना, तो वो भी सही है। ठीक है, हाँ, इन दोनों में गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में पूरी तरह से लड़ाई है। ठीक है, अगर इनका कंक्लूजन हाँ को लेके है, तो हमेशा गलत होगा, दोनों के बीच, और ना को लेके तो हमेशा सही होगा। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा कभी मत भूलना। ठीक है, अब हम देखते हैं सम नॉट। सम नॉट का डायग्राम कैसे बनेगा? सम नॉट, ये सम नॉट क्या है? सम नॉट का मतलब है कि सम ए आर नॉट बी, है ना, सम ए। अब कौन सी सम? एक ए है हमारे पास, इसके कुछ सम। अब सम मान के चलो, ये सम है, ये सम, ये क्या नहीं है? बी नहीं है। कौन से वाले सम? सिर्फ ये, इस सम की बात कर रहा है, ये क्या नहीं है? बी नहीं है। अब मन में ये सवाल आता है कि देखो, ये ए सम ए आर बी, बोले सर इसमें भी तो, आप बोलोगे इसमें भी तो ए बी नहीं है, ये वाले ए, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जानकारी है कि सम ए बी नहीं है, बाकी के ये वाले जो बचे ए हैं, ये बी है या नहीं है, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि सम ए बी है, तो इसलिए सम ए बी है, तो इसलिए इसका डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा कि सम ए आर नॉट बी, मतलब ये सम, ये वाले जो सम है, वो कभी भी बी नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे डायग्राम बनते हैं। अगर डायग्राम बनाना प्रॉपर तुम्हें आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देखो। अब जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, हम पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे बस। ठीक है, जो जिसमें ऑल और सम हो बस, और उनकी पॉसिबिलिटी की बस, और कुछ नहीं करेंगे। बहुत सिंपल चीज है, जैसे मेरे पास चार स्टेटमेंट्स हैं, सम ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, और सम सी आर डी। ठीक है, अब हम ये चार स्टेटमेंट्स हैं, हमें पता है कि ए का रिलेशन बी से है, सम का, बी का रिलेशन सी से है सम का, और सी का रिलेशन सी से सम से है डी का। ठीक है, ए का सी से क्या रिलेशन, हमें कोई जानकारी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है रिलेशन ए और सी का, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है इनका क्या रिलेशन, हमें बस पता है कि ए का बी से है, बी का सी से, और सी का डी से है। ए का सी से है हमें नहीं पता, बी का डी से हमें नहीं पता, ए का डी से है हमें नहीं पता, बी का डी से हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ इन दो की जानकारी है। ठीक है, अब कंक्लूजन कैसे आएंगे? अगर हमसे पूछा जाए कि सम ए आर सी, तो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? हमें ए और सी की जानकारी नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा सम, सॉरी ए ऑल ए आर सी, तो भी गलत,
हमें कुछ जानकारी है ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते सम ए सी सही है या गलत, गलत है सही है गलत है हमें नहीं पता, इसलिए हम गलत मानेंगे। या पूछा जाए नो ए इज सी तो भी गलत, हमें जानकारी है ही नहीं तो हम कुछ नहीं बता सकते कि सम है ऑल है नो है सम नॉट है कुछ नहीं। चाहे आपसे पूछा जाए सम नॉट ए आर सी तो भी गलत, क्या है तो भी गलत, मतलब ये चारों क्या होंगे हमें ए और सी के संबंध की कोई जानकारी नहीं तो क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल सम ए आर सी इसके आगे लगा देता हूं पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम ए ऑल ए आर सी इसके आगे भी पॉसिबिलिटी लगा देता हूं, नो इस सी के आगे भी पॉसिबिलिटी लगा देता हूं और सम नॉट ए आर सी के आगे भी मैं पॉसिबिलिटी लगा देता हूं। जैसे ही मैंने चारों के आगे पॉसिबिलिटी लगाई अब ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, ये भी सही ये भी सही ये भी सही ये भी सही, समझ रहे मेरी बात, क्या हो जाएंगे चारों के चारों सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ए और सी के रिलेशन का डाउट था, हमें पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए इनकी पॉसिबिलिटी अब क्या हो जाएगी सबकी सही हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज ए और डी के लिए, बिल्कुल चारों चीज ए और डी के लिए हो सकती है क्योंकि हमें ए और डी का रिलेशन ही नहीं मालूम। सेम चीज बी और डी के लिए हो सकती है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो तो हम क्या बताएंगे गलत बताएंगे, क्यों हमें बी और डी के कोई भी रिलेशन की जानकारी नहीं है, और जैसी पॉसिबिलिटी लगी तो ये सारे गलत क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे, चाहे वो ए और सी का हो चाहे वो बी और डी का हो चाहे वो ए और डी का हो, समझ रहे हो मेरी बात बिल्कुल। अब सिचुएशन क्या क्रिएट होती है कि अब इसमें पॉसिबिलिटी कैसे और दूसरे तरीके से कैसे बनती है, जैसे मैंने कहा ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी और ऑल सी आर डी, ये डायग्राम किसका हमारा ऑल ए आर बी सम बी आर सी और ऑल सी आर डी। ठीक है, अब हमें क्या पता है देखो ए जो है सभी के सभी बी हैं और कुछ भी जो बी हैं वो सी हैं और सभी के सभी क्या है सी हैं डी हैं। जब सभी के सभी सी डी बनाए तो कुछ बी ये वाले बी भी क्या बन गए डी बन गए, तो अगर हमसे पूछा जाए कि सम बी आर डी तो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्यों जैसे हमने सभी के सभी सी डी बनाए तो ये वाले जो बी हैं वो भी क्या बन गए डी बन गए, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, लेकिन ए यहां पे है और डी यहां पे है, देखो ए का सर्कल ये रहा और डी का सर्कल ये रहा, अब हमें ए और डी के रिलेशन की कोई जानकारी नहीं है, चाहे ए और डी का कुछ भी पूछा जाए, जैसे इन चारों में पूछा गया था सम ए आर डी गलत हो जाएगा, ऑल ए आर डी गलत हो जाएगा, नो इज डी गलत हो जाएगा, सम नॉट ए एस डी ये भी गलत हो जाएगा, क्यों अब हमारे पास ए के और डी के रिलेशन की कोई भी जानकारी नहीं है, बी के और डी की भी सिर्फ सम की है, अगर ऑल की बोलेगा ऑल बी आर डी तो वो भी गलत होगा, हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि सम बी आर डी है। ठीक है, जैसे अब आपसे कहा जाएगी ऑल बी आर डी तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्यों हमारे पास सिर्फ सम की जानकारी डी की नहीं है। अब देखो जैसे सम बी आर डी मैंने लिखा यहां पे आपने सही किया, अगर मैं कह दूं इसके आगे पॉसिबिलिटी लगा दूं सम बी आर डी जे पॉसिबिलिटी तो ये बिना पॉसिबिलिटी क्या था सही था, जैसे पॉसिबिलिटी लगी गलत, अब ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, क्यों जो चीज 100% सही होती है वो चीज पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत होती है, इसका मतलब ये है, इसीलिए हमने पॉसिबिलिटी गलत कर दी, क्यों क्योंकि सम बी आर डी है 100% है इसीलिए इनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी गलत होगी, क्लियर है। तो ये है, इसी तरह से जब सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हो हमारे पास तो जो कंक्लूजन राइट है बिना पॉसिबिलिटी के वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है गलत हो जाता है, और जो कंक्लूजन बिना पॉसिबिलिटी के रॉन्ग है वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है राइट हो जाता है। ये है हमारे जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, कहीं भी मैंने नेगेटिव की बात करनी नहीं करी है, बस ये ध्यान रखना कि जैसे इस वाले में हमें ए और सी के कोई भी रिलेशन की जानकारी नहीं है तो इनके बीच में कही गई सारी कंक्लूजन चाहे वो पॉजिटिव वाली हो दोनों चाहे वो दोनों नेगेटिव वाली हो वो हमेशा गलत ही होंगी, लेकिन जैसे ही उनके आगे पॉसिबिलिटी लगाई चारों के चारों क्या हो जाएंगी सही हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सिर्फ पॉजिटिव वाले, ठीक है ये वीडियो देखो पॉजिटिव वाले, ये समझ में आ जाए इसको 3 बार देखना कम से कम, और कहीं भी समझ नहीं आए तो फिर पूछना, और फिर मैं आपको नेगेटिव आएगा तो पॉसिबिलिटी कैसे सही और कैसे गलत होगी तो बताऊंगा, जब नेगेटिव आ जाते हैं तो ये वाला रूल फेल हो जाता है, कौन सा कि अगर बिना पॉसिबिलिटी के सही है तो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा, बिना पॉसिबिलिटी गलत है तो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, ये रूल कभी कभी फेल हो जाता है जब नेगेटिव वाले स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, वो कैसे गलत होगा मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले ये वाला वीडियो कम से कम 3 बार देखना, समझ रहे हो। ठीक है, बाय।